नमस्कार, आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। दोस्तों, आज के इस पॉडकास्ट में बात होगी अमिताभ बच्चन और महमूद साहब की। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में कई ऐसे किस्से हैं जिन्हें सुनकर आपको यकीन नहीं होगा, और ऐसा ही एक किस्सा है जिसमें अमिताभ बच्चन महमूद साहब के पैरों में एक तरीके से गिर पड़ते हैं, उनके पैर पकड़ लेते हैं कि हुजूर आपने मुझे बचा लिया, और कहते हैं कि डर के आगे जीत होती है। लेकिन वो जीत कैसे मिल पाती है? अक्सर या तो उस जीत के लिए लोगों को डर छोड़ना पड़ता है या उस डर को निकालने के लिए कोई गुरु मिलता है। अमिताभ बच्चन सदी के महानायक हैं, लेकिन क्या आप यकीन कर पाएंगे कि जब एक डर से उन्होंने निजात पाई तब जाकर वो डांसर बन पाए? अब ये तो सभी जानते हैं कि अमिताभ बच्चन साहब का अपना डांसिंग का एक स्टाइल है और ढेरों ऐसे गाने हैं जो उनके डांसिंग स्टाइल के लिए, विशेष तौर पर जो उनका कमर पे हाथ रख के जो तरीका है उसके लिए याद किए जाते हैं। लेकिन अमिताभ बच्चन को भी उनके गुरु यानी कि महमूद साहब ने दरअसल डांस होता क्या है, किया कैसे जाए जब आप नर्वस फील करें, ये उन्होंने सिखाया। किस्सा साल 1972 में आई फिल्म बॉम्बे टू गोवा से जुड़ा है। 51 साल पहले रिलीज हुई ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त हिट रही थी, बढ़िया कमाई इस फिल्म ने की थी। लेकिन आप नहीं जानते होंगे कि फिल्म के दौरान अमिताभ एक दिग्गज एक्टर यानी कि महमूद साहब के पैरों में गिर कर रोने लगे थे। अब कहते हैं कि जिंदगी में किसी गाइड और गुरु का होना बहुत जरूरी है। ये वो होता है जो इंसान की प्रतिभा को निखार कर लाता है। और हालांकि ये बात सभी जानते हैं कि अमिताभ बच्चन को एंग्री यंग मैन बनाने का श्रेय तो प्रकाश मेहरा को जाता है, और ठीक वैसे ही अमिताभ बच्चन को डांसर बनाने का श्रेय काफी हद तक महमूद साहब को जाता है। अब आप सोच रहे होंगे वो कैसे, तो हम आपको बताएंगे वो कैसे, क्योंकि साल 1972 तारीख 3 मार्च एक फिल्म रिलीज होती है बॉम्बे टू गोवा, और इस फिल्म को एस रामनाथन और महमूद साहब ने मिलकर प्रोड्यूस किया था। और कम लोग जानते होंगे कि 51 साल पहले कॉमेडियन, एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर महमूद ने एक ऐसा कारनामा किया कि अमिताभ झूम उठे। दरअसल इस फिल्म का एक गाना आपने सुना होगा, देखा ना हाय रे सोचा ना, और ये गाना अमिताभ और अरुणा ईरानी पर फिल्माया जाता है, चूँकि अरुणा ईरानी इस फिल्म में अमिताभ की हीरोइन है। और इसी गाने की शूटिंग के दौरान अमिताभ बुरी तरीके से नर्वस हो गए थे। सालों पहले शेखर सुमन का एक शो आता था, मूवर्स एंड शेकर्स, और इस शो में बतौर गेस्ट पहुंचे महमूद ने खुद बॉम्बे टू गोवा फिल्म के गाने की मेकिंग का दिलचस्प किस्सा सुनाया। महमूद साहब बताते हैं कि फिल्म की पूरी स्टारकास्ट बस में सवार होकर गोवा के लिए रवाना हुई। और आपने अगर ये फिल्म देखी है तो आपने देखा होगा कि ये पूरी शूटिंग इसकी फिल्म की बस में हुई है, और देखा ना हायरे की गाने की शूटिंग भी बस के अंदर होनी थी, और अमिताभ बच्चन पर यह गाना फिल्माया जाना था। और इस गाने पर अमिताभ, समस्या ये थी कि डांस नहीं कर पा रहे थे। और महमूद साहब बताते हैं कि जब मैं सेट पर पहुंचा तो बताया गया कि अमिताभ को बुखार है और वो अपने कमरे में आराम करने चले गए हैं। मैं अमिताभ से मिलने के लिए जब कमरे पर गया तो देखा कि अमिताभ रो रहे थे। मुझे देखते ही कहा कि मुझसे नहीं होगा डांस, मास्टर जो बता रहे हैं यानी कि कोरियोग्राफर, वो मैं नहीं कर पाऊंगा भाईजान, प्लीज़ मुझे बचा लीजिए, मैं ये मुझसे नहीं होगा। उन्होंने आगे बताया कि अमिताभ की बात सुनकर मैंने उन्हें समझाते हुए कहा कि जो इंसान चल सकता है वो डांस भी कर सकता है, आज आराम करो और कल आओ, देखो इंशाल्लाह सब फर्स्ट क्लास होगा, बिल्कुल चिंता मत करो। अब ये बात महमूद साहब ने अमिताभ बच्चन को कही, और फिर अगले दिन गाने की शूटिंग से पहले वो बताते हैं कि मैंने मास्टर से कहा कि देखो पहला शॉट लेना, अगर शॉट खराब भी होगा तो बस में जितने लोग हैं उन सभी से जोर जोर से तालियां बजवा देना। ये अमिताभ बच्चन को बात मालूम नहीं थी, ये महमूद साहब ने डांस मास्टर से कही और उन्हें समझाई, और फिर आगे बढ़ना, फिर दूसरा शॉट लेना, रिटेक मत करवाना, क्योंकि एक्टर की खुराक उसकी तारीफ होती है। पहले ही शॉट में अगर तारीफ मिल जाए तो उसमें कॉन्फिडेंस आ जाएगा, और पहले ही शॉट में अगर आपने कट 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 करके
रिटेक के लिए बोल दिया तो जो रहा सा कॉन्फिडेंस है वो भी गायब हो जाएगा। महमूद साहब आगे बताते हैं कि मैंने शूटिंग से पहले सबको समझा दिया कि जब वो मेकअप रूम से आए तो मैंने कुरान शरीफ पढ़कर उनके ऊपर थोड़ा फूंक भी दिया, जिससे उन्हें थोड़ा भरोसा हुआ। फिर उन्होंने अपना शॉट दिया जो बहुत गंदा था, हकीकत यही है। गाने के बोल के साथ अमिताभ के स्टेप मैच ही नहीं खा रहे थे, फिर भी चूंकि प्लान था तो प्लान के मुताबिक बस में बैठे सभी लोगों ने तालियां बजाई, गाना आगे बढ़ा और फिर जो लंबू मूड में आया उसने क्या डांस किया आप इस फिल्म में देख सकते हैं। ये बात बताते बताते महमूद साहब हंस पड़ते हैं। और अगर आपने ये फिल्म देखी हो तो फिल्म में अमिताभ, अरुणा ईरानी, शत्रुघ्न सिन्हा, महमूद साहब तो हैं ही, और मनोरमा भी आपको इस फिल्म में नज़र आएंगी, ललिता पवार आपको इस फिल्म में नज़र आएंगी, कई ऐसे कैरेक्टर, और एक ऐसी कॉमेडी फिल्म जिसकी टाइमिंग बड़ी ज़बरदस्त, और आज भी जब 50-51 साल बाद आप इस फिल्म को देखते हैं तो आपको ये फिल्म बांध लेती है। गाने तो नहीं कहूँगा लेकिन हाँ, कहानी इस फिल्म की जो कॉमेडी है, जो पंचेस हैं वो गज़ब के हैं। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।